बाबूजी, बाबूजी ये प्रशांत। प्रभु प्रभु रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते? क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी की हर बात मानी थी। रीत, तुमने भी आज तक की तुम्हारी जिंदगी मेरा कहा मन में बिताई है। मुझे वचन दो कि मैं मरने के बाद भी वादा निभाओगी। बाबूजी आप क्यों मरने की बात कर रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा बाबूजी। उसके मसर पर बेटा हम बात करते बाबूजी। आपके ना रहने पर भी आपकी हर बात मानेंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरा आत्मा को शांति नहीं बाबूजी। नहीं बाबूजी। वकील साहब, हमारे बाबूजी की लाश घर में पड़ी है, आप वसीयत लेकर आ गए। माफी चाहूंगा कुंवर साहब, लेकिन अर्थी उठने से पहले इस वसीयत का पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। बोलिए। वीर प्रताप सिंह जी ने इसमें लिखा है। ड्रामा मत कीजिए, जो लिखा है बकिए जल्दी।
बाहर मेहमानों की भीड़ लगी और आप बोली थी। वीर प्रताप सिंह जी ने इसमें लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग, ना तो उनका बड़ा बेटा कुलदीप देगा ना ही छोटा बेटा राजवीर। का पढ़ रहे हैं आप? अरे बेटे जिंदा हैं अभी, बेटे नहीं चिता को आग देंगे तो कौन देगा? री, कुंवर साहब, मैंने वही पढ़ा जो इस वसीयत में लिखा है। मना किया था हमने बाऊजी को कि मत खाइए उल्टी सीधी अंग्रेजी दवाइयां, देख लिया ये नतीजा हो गया ना, दिमाग खराब उनका, का उल जरूर लिख के चले गए। वकील साहब, आपने वसीयत सुना दी, हमने सुन ली, अब जाइए। लेकिन कुंवर साहब, बस आप ये समझिए कि वसीयत हुई ही नहीं। अब अगर आप यहां से बाहर जाएंगे तो ई बात को यहीं दफन करके जाएंगे। आप या तो ये बात दफन होगी या आप वकील साहब, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। आपने हमें हमारे खानदान को हर मुसीबत से बचाया है हमेशा, इस बार भी हमें बचा लीजिए। देखिए ना, अरे जवान बेटों के रहते एक बेटी कैसे आग लगा सकती है अपनी बाप की चिता को, आप कुछ सोच के देखिए। अगर ऐसा अनर्थ हो गया तो हमारी प्रजा का कहेगी? हमारी तो नाक कट जाएगी, हमारे खानदान की, कुंवर साहब की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जरा सोचिए वकील साहब, हमें नहीं मालूम, लेकिन आप सोचिए, अगर अगर ये बात चार दीवारी से बाहर निकली तो हमारा क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। कुंवर साहब, आप सब लोगों ने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो उस इंसान की ख्वाहिश है जो अब इस दुनिया में नहीं है। हम आपके पैर पड़ते हैं, ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए, हमारे कुंवर साहब की इज्जत बचा लीजिए। वैसे ही आप लोग इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, मैं आप लोगों को और मुसीबत में नहीं डाल सकता। ठीक है, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन रीत बिटिया, मारुफ साहब, जिसकी जुबान हमारे सामने लड़खड़ाती है, शरीर कांपता है और पैर खड़े होने से जवाब देते हैं, वो हमारा रास्ता काटने की जरूरत कभी नहीं करेगी। Thank you.
संभालिए अपने आप को। आपके बाबूजी आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर गए हैं। अपनी चिता को जलाने का अधिकार आपको सौंप कर गए हैं ठाकुर साहब। हम वादा करते हैं बाबूजी, आपके ना रहने पर भी आपकी हर बात मानेंगे। तू पागल हो गई है? तो बड़े भाइयों के रहते तू अपने बाबूजी की चिता को आग देगी? हमने अपने बाबूजी से वादा किया था अम्मा। अरे तू जानती है अपने कुंवर साहब को, कयामत आ जाएगी। ने अपने बाबूजी की बात आज तक ना तो टाली है और ना ही हम टालेंगे। बाबूजी तो गए, जो जिंदा हैं उन्हें क्यों मार रही है रीत? बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस घर के सम्मान को बचा ले। अम्मा, बाबूजी हमसे वादा लेकर गए, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रीत, तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन अम्मा और भाभी जो कह रहे हैं वो भी सही है। हम लाचार हैं, तो प्लीज हम पर रहम कीजिए। बस एक बार ये बात कुंवर साहब को समझाइए। आग से मत खेल रीत, पूरा घर जल जाएगा। भाभी, अपने मरते हुए बाबूजी को दिया हुआ वचन निभाना आग से खेलना है, उनकी वसीयत का पालन करना है, इस घर को जलाना है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं भाभी, कुंवर साहब को समझाइए। उन्हें समझाइए भाभी। लोचन कहाँ है? अंतिम यात्रा की तैयारी में लगे हैं। तो हमारा एक काम करो पूरा, रीत को बेहोश करो और माता बाजार ले जाकर उसे बंद कर दो। जब तक हम ना कहें हवेली में वापस लेकर मत आना, समझे? ठीक है। चिता तो हमारे कुंवर साहब ही जलाएंगे, एक तरफ बाऊजी की अर्थी उठेगी, दूसरी तरफ तुम रीत। रीत, रीत तुम रो क्यों रही हो? क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या आप हमें अपने बाबूजी से किया हुआ वचन पूरा कराएंगे?
एक लड़की को उसका हक दिलाएंगे। बोलिए संवाद जी। हाँ रीत, रीत उठा, बहनी को मत्था बाजार ले जाना है। मतलब ये अचानक बिटिया को क्या हो गया है? उसे कौन सा हॉस्पिटल ले जा रहे हैं? अच्छा, बड़ी फिक्र हो रही है हमारे घर की है? बाबूजी का राज खत्म हो गया है मारूफी साहब, अब आप अपने घर की और बेटियों की फिक्र कीजिए। चल कांदिए, इधर आइए। अरे आइए मारूफी साहब, आइए आइए। अब आप वही करेंगे जो हम चाहेंगे, और जब तक हम नहीं चाहेंगे आप कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे रोको? ना ना, हम आपको रोकने वाले कौन होते हैं मारूफी साहब? पर क्या करें, चिता पर तो आपको आना ही पड़ेगा। बाबूजी के दोस्त जो ठहरे, पर जब तक हम नहीं चाहेंगे आप चिता पर नहीं आएंगे। जब तक हम चिता पर नहीं पहुंच जाते आप एक कमरे में बंद रहेंगे, और जैसे ही चिता का कार्यक्रम शुरू होगा हमारे आदमी आपको बाइज्जत ले आए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ जोरदार? चुप। बाबूजी का लिहाज कर रहा हूं, इसलिए जान से नहीं मार रहा हूं। पर वसीयत की बात तुम्हारी जुबान पर भी आई ना, तो जान से तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारी बेटियों को मारूंगा। तुम अपने आप मर जाओगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, सत्य बोलो मुक्त है, सबकी यही सत्य है।